दान करता है तबे गुरु वैष्णव के ही दान करा कर्तव्य। पहले दान सबको नहीं देनी चाहिए, किसको दान करनी चाहिए कहते गुरु और वैष्णव को ही दान करो। क्यों? उनको जो दान वस्तु देते हैं वो ठाकुर जी का ही सेवा में नियुक्त करते हैं। जब ठाकुर को सेवा में नियुक्त करते हैं फिर आपका दान क्या हुआ, आपका दान उसमें सार्थकता हो गया है, हैं? दान सार्थकता हो गया। इसलिए यहाँ कहते जिन्हें 24 घंटा भगवान भजन करे एकमात्र ताहे के ही विश्वास और सेवा करता है। अभी हम कहते गुरु वैष्णव का दान देनी चाहिए, कहते गुरु वैष्णव करते हैं क्या, बोले जिन्हें 24 घंटा भगवान भजन करे, कहते वो लोग क्या करते हैं, वो 24 घंटा भगवान की भजन करते हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं एकमात्र उसको विश्वास सेवा करता है, उसके ही ऊपर में विश्वास और उनको सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान ने सेवा करे ना, सेवा ग्रहण करेगा जन व्यस्त ताकि कफन विश्वास करता है बिना एवं ताकि किचू दया उचित ना है। मतलब जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की सेवा ग्रहण कर लेकिन सेवा तो करते नहीं, लेकिन दूसरे से लेने के लिए कोई वस्तु को बड़े व्यस्त होते हैं, कहते उसको प्रति कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए, कहते दान नहीं देनी चाहिए। प्रभुपाद कहते बोले क्यों नहीं, अगर आप उनको कुछ दान दोगे, अगर वो गुरु वैष्णव का सेवा में नहीं लगा करेंगे, अगर किसी दूसरे चीज में लगा दे तो फिर क्या होगा, हमने जो दान दिया है वो वस्तु नष्ट हो गया, वो वस्तु नष्ट हो गया है। इसलिए हर चीज जब गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगेगा तभी वो वस्तु की सार्थकता है। एक समय ध्यान देकर सुना, ये न्यूज पेपर में आया था, एक समय नंदगांव में कोई एक बाबा जी रहता भजन करता था, तो वो क्या करता था, रोज खाने का वास्ते कुत्ता आता था, वो कुत्ते को वो रोटी देता था। अभी उसने कुछ दिन के लिए उसने चला गया, कहाँ वो चला गया, कुछ दिन के लिए अपना घूमने के लिए तीर्थ यात्रा में गया। जब वो वापस आया तो वो कुत्ता रोज खाना देता था खाता था, वो वापस आया तो देखा उसको दरवाजे को बाहर कोई बोल रहा है, मैं भूखा हूँ मेरे को रोटी दो। तो उसने दरवाजा खोला, देखा कोई है नहीं, बोलो भैया कौन बोल रहा है सर रोटी दो, ये कोई है नहीं। फिर जब भेजने के लिए बैठा फिर आवाज आई, मेरे को रोटी दो। फिर दरवाजा खोला, देखा कोई है, बोले कुत्ता बैठा हुआ। फिर उन्होंने फिर जब भेजने के लिए बैठा फिर आवाज आई, मैं भूखा हूँ मेरे को रोटी दो, भैया ये कोई चीज कुछ है नहीं, दरवाजा को तो है नहीं, दरवाजा खोल के देखा कुत्ता बोल रहा है। तो वो जो साधु था बोले भैया तू इंसान जैसे बात कर रहे हो, क्या बात है। तो उसने बताया तो देखो मैंने पहले जो था ना, मैं किसी मंदिर का पुजारी था, लोग हमें जो ठाकुर का सेवा में वस्तु देते थे उसको मैंने भगवत सेवा में नहीं लगाया, उसको भगवत सेवा में नहीं लगा कर उसको मैंने गलत काम पर लगाया, इसलिए मेरे को इसी जीवन में कुत्ता बनना पड़ा, मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। रामायण में ठीक ऐसी कथा आती है, रामायण में भी ऐसी कथा आती है। एक समय और एक कथा आती, कोई साधु परिक्रमा करता था, हठात देखा एक जो मर गया पहले देखा साथ उस व्यक्ति को देखा, बोले भैया तू तो मर गया था फिर तुम यहाँ कैसे खड़े हो। फिर उसने बताया लोग मेरे को भगवत सेवा के उद्देश्य में कुछ अर्थ दिया था लेकिन मैंने उसको भगवत सेवा में नहीं लगाने का मेरे प्रेत जाना पड़ा इसलिए मेरे को उद्धार नहीं हो रहा है। फिर उसने बोला तू अम्ब स्थान पर जा, वहाँ पर कुछ पैसा है, हैं वहाँ पर कुछ पैसा रखा हुआ, पैसा को लाओ, ला कर उसको भंडारा करो और उसको भंडारा करके भगवान की भोग लगाओ और जितने संतों को बुलाओ, साधु को भक्ति करने वाले संतों को बुलाओ, वो पैसा संत सेवा में लगेगा, मैं जा करके उधार होगा। जब उन्होंने संतों सेवा में लगाया तभी वो वस्तु उसकी उधार हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद को इसको दान देनी चाहिए, बल्कि जो सचमुच से हमारी अर्थ को लेकर के ये गुरु वैष्णव की सेवा में जो लगा दे, जो कौन लगा सकता है, बोले वही लगा सकता है जो 24 घंटा में भजन करता है, क्योंकि उसके अंदर में कोई दूसरा अभिलाष है,
और कोई अन्याय विधा से उसका है ही उसके ऊपर है उसको, इसलिए भजन करता है भक्ति करता है, करेगा तो क्या करेगा, आप जो वस्तु देंगे वो वस्तु को वो सही सही ठाकुर जी की सेवा में उसको प्रयोग करेगा, जो सेवा में प्रयोग करेगा फिर तो वो वस्तु की सार्थकता है। और हमारे महाराज जी कहते जिसे कोई 10 रुपया तुमको देता है ऐसे 10 रुपया नहीं दे देता, जैसे वहाँ घुमा घुमा के ना ठाकुर जी मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे घर में ये बीमारी है, घर में हमारी ये दिक्कत है, घुमा करके इतने घुमा घुमा करके 10 रुपया देता है, मतलब वो 10 रुपया नहीं है उसका घर का जितने क्लेश दुख कष्ट को देकर गया। अगर ये 10 रुपया जो मिले अगर वो भगवान की सेवा में लग गया ना फिर तो भगवान उसको हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ठाकुर को सेवा में लग गया, अगर अपना इंद्रिय तर्पण में लगाए तो उसका सारे बीमारी दुख कष्ट दारिद्रता सब हमारे ऊपर सेवा जाए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद भी कहते हैं और ऊपर जाकर के सारी सब करना पड़ेगा, तुमने इन्हीं का पैसा लिया पैसा लिया तू और भी घटना आती है। एक समय भगवाचार्य जी अपना शिष्यों को साथ में गौभर बन की परिक्रमा लगा रहे थे बरसाना, हठात देखा कि सर पर और वो सांप को ऊपर में 1000 चिट्ठियां लगा हुआ उसको खून चूस रहे हैं, उसको खून को वो चूस रहे हैं। बल्लभाचार्य देखकर रोने लगे, उनको साथ में कुछ शिष्य थे, बोले गुरु जी आप क्यों रो रहे हो, बोले देखो जो बेटा ये सर पर है ना पहले साधु था, ये पहले साधु था ये सर, और उसने जो सेवा के लिए भगवत सेवा के लिए जो वस्तु जिसने प्रयोग किया है, जिन लोगों ने सेवा पर प्रयोग किया इसने वो पैसा को अपहरण किया, ये पैसा को भगवत सेवा में नहीं लगाया, और जिन जिनियों को पैसा लिया तो उन्हें चिट्ठी बन करती उसको खून चूस रहे हैं, उसके खून को चूस रहे हैं। इसलिए कहते भैया साधु सावधान, साधु सावधान, इसलिए भगवत सेवा में जो वस्तु आता है उसको कभी भी इधर उधर चीजना में नहीं लगानी चाहिए, उसको हर समय शुद्ध रूप में गुरु वैष्णव की सेवा में भगवान की सेवा में जब ये वस्तु लगेगा तभी वो वस्तु की सार्थकता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसलिए जो भगवत सेवा नहीं करते हैं और सेवा ग्रहण करने वाले जन व्यस्त लेकिन भगवत सेवा नहीं करते हैं लेकिन अर्थ ग्रहण करने के लिए व्यस्त होते हैं तभी उनको उनको दान देने से गड़बड़ी है। वही व्यक्ति को दान देनी चाहिए जो सचमुच से भगवत सेवा में किसी को लगा है, इसलिए प्रभुपाद इसकी अच्छे उत्तर देते हैं। इसलिए जो पैसा गुरु वैष्णव की सेवा में आए वो पैसा को कभी हमें गड़बड़ी काम में नहीं लगानी चाहिए, भगवत सेवा में लगानी चाहिए। पंचागुरु पावन घोर